तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे होती है आर्म वेव। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिस्ट से, उसके बाद हम जाएंगे एल्बो पे और फिर हम जाएंगे शोल्डर पे। ये एक हाथ के तीन पार्ट्स हैं। अब दूसरे हाथ से हमने फिर से किया शोल्डर और फिर हम गए एल्बो की ओर और फिर हमने यहाँ से रिस्ट ऑन देन ओपन। अब ये हाथ एकदम सीधा है। अब यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ से करेंगे। ये देखिए, और शोल्डर, एल्बो, रिस्ट एंड देन ओपन। और आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा मैंने स्पीड में करके दिखाया है। रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट, ओपन। एक और तरीके से देखिए, जो सीधी लाइन है ये यहाँ से शुरू होके ये, और देखिए हाथ कहीं भी नीचे नहीं जा रहा है, हाथ एक सेम लाइन में है और ये वेव पास हुआ है। तो इसको जो कंटिन्यूस स्टार्टिंग में तो हमें उसी तरीके से करना है। दूसरा तरीका ये है कि हम ये देखिए अंदर की तरफ हमारे रिस्ट को हम मूव करें इसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एंड देन बाहर की तरफ। ये सिर्फ फिंगर्स से लेके कलाई तक की एक्सरसाइज है। आई होप आपको समझ में आएगा। और ये देखिए, अब ये इसी तरीके से हाथ को अंदर की तरफ हम ये कर रहे हैं, अब इसके बाद ये बाहर की तरफ हम कर रहे हैं, अंदर और बाहर। ऐसा ही हम दूसरे हाथ से करें, ये अंदर, ये देखिए अंदर की तरफ वेव जा रहा है, और इसी तरीके से हम करें बाहर। अब सिंपल वे क्या है आप देखेंगे, ये देखिए अभी मैं आपको करके बताता हूँ। ये हमने सीधा हाथ किया, ये अंदर और ये बाहर, ये अंदर और ये बाहर। आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।